Hi, here we are with our new video on our channel yosearch. और आज का जो हमारा वीडियो है ये है बैंक रिक्रूटमेंट से रिलेटेड. सो फ्रेंड्स, आप सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर हम आपको अपडेटेड और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहते हैं, और हमारी इन वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करें. सो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो. अपनी इस वीडियो में मैं आपको आज इन्फॉर्मेशन दूंगी यूको बैंक रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं बैंकिंग सेक्टर में जॉब करने के लिए, आप प्लीज हमारे इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसमें सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड होगी जो आपकी हेल्प करेगी आपके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने में. सो स्टार्ट करते हैं. यूको बैंक की तरफ से जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है वो है स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की पोस्ट का, और जिसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो है 91, और जो वैकेंसीज हैं वो है सिक्योरिटी ऑफिसर्स, CA और बहुत सारी पोस्ट की. सो आइए इस पूरे वीडियो में देखते हैं क्या इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या एज लिमिट है, किस तरीके का सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, एप्लीकेशन फीस क्या है, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, और क्या क्या इसमें पोस्ट अवेलेबल हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं यूको बैंक की स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की. जो रिक्रूटमेंट है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, एंड 17th November इज द लास्ट डेट, यानी कि 17 नवंबर 2020 तक आप अप्लाई कर सकते हैं यूको बैंक की रिक्रूटमेंट के लिए. एप्लीकेशन मोड जो है वो ऑनलाइन है, जॉब लोकेशन अक्रॉस इंडिया है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 91 है, एंड जो पोस्ट का नेम है यानी कि किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है वो है स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स. अब मैं आपको बताती हूँ पोस्ट डिटेल्ड वाइज क्या क्या पोस्ट हैं और कितनी कितनी पोस्ट हैं. सो सबसे फर्स्ट सिक्योरिटी ऑफिसर्स की पोस्ट है जिसका टोटल नंबर है 9, यानी कि 9 वैकेंसीज हैं. इंजीनियर्स की 8, इकोनॉमिस्ट की 2, स्टैटिस्टिशियन की 2, IT ऑफिसर्स की 20 एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट की 50. सो इस तरीके से डिवाइड की गई हैं. 91 जो है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं, बट जो ये डिवीजन किया गया है वो पोस्ट वाइज वैकेंसीज को डिवाइड किया गया है. आप हमारी वेबसाइट yosearch.net पर आकर भी कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं. 24th अक्टूबर को इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया था, और 27 यानी कि 27 अक्टूबर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है. प्लीज फ्रेंड्स, याद रखें कि ऑनलाइन ही आप अप्लाई कर सकते हैं. जो लास्ट डेट है इसका अप्लाई करने का वो है 17th November, और जो एक टेंटेटिव डेट दी गई है ऑनलाइन एग्जामिनेशन की वो है दिसंबर या फिर जनवरी, यानी कि दिसंबर 2020 या फिर जनवरी 2021 में यूको बैंक का ये एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, और जिसकी रिजल्ट डेट है वो भी बताई नहीं गई है, वो भी जल्दी आपको बता दी जाएगी. अब हम बात करें अगर इनकी एलिजिबिलिटी की, यानी कि कौन अप्लाई कर सकता है, तो सबसे पहले बात आती है नेशनैलिटी की. सो एनी कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, भूटान और अ तिब्बतन रिफ्यू, या फिर हमारे इंडियन ओरिजिन के जो भी लोग माइग्रेट हुए हैं पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्री से, वो भी अप्लाई कर सकते हैं. इसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आप यूको बैंक की ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर या फिर आप हमारी वेबसाइट yosearch.net पर आकर भी ले सकते हैं. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट जो रिक्वायर्ड है फॉर सिक्योरिटी ऑफिसर्स, किसी भी डिसिप्लिन में आप ग्रेजुएट होने चाहिए विद मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स, और इसमें जो एज रिक्वायर्ड है वो है 21 to 40, यानी कि 21 से 40 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं. फॉर इंजीनियर्स सिविल, इलेक्ट्रिकल और आर्किटेक्ट में, सो आपकी सिविल, इलेक्ट्रिकल और आर्किटेक्ट में इंजीनियरिंग की डिग्री रिक्वायर्ड है विद मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स, और जो भी कैंडिडेट पोस्ट ग्रेजुएट हैं उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा. इसमें जो एज लिमिट है वो है 21 से लेकर 30 साल. इकोनॉमिस्ट की अगर हम बात करें, सो पोस्ट ग्रेजुएट इन इकोनॉमिक्स विद मिनिमम ऑफ 60 मार्क्स, या फिर आपकी इकोनॉमिक्स में PhD हो तो भी आपको प्रेफर किया जाएगा, एंड इसमें भी जो एज लिमिट है वो है 21 साल से 30 साल. स्टैटिस्टिशियन की रिक्वायरमेंट है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इकोनॉमिक्स और इकोनोमेट्रिक अप्लाइड इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स विद मिनिमम ऑफ 60 मार्क्स. सो अगर इनमें से किसी की भी आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री है और आपके मिनिमम 60% मार्क्स आए हुए हैं, सो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं. एज लिमिट इसमें भी 21 से लेकर 30 साल है. IT ऑफिसर के लिए मिनिमम 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट इन योर BE और BTech डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन,
या फिर मिनिमम 60% मार्क्स इन MCA फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। सो आप प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपके मार्क्स जो हैं मिनिमम वो 60% होने ज़रूरी हैं, या फिर 60% होने ज़रूरी हैं MCA की डिग्री या फिर BE/BTECH की डिग्री के साथ अगर आप हैं, सो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी एज लिमिट 21-30 ईयर्स है। फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट CFA क्वालिफाइड, आपका CA क्वालिफाई होना चाहिए और इसमें एज लिमिट जो है दैट इज ऑल्सो 21-30। अपर एज रिलैक्सेशन दिया गया है SC/ST के लिए मैक्सिमम 5 ईयर्स, OBC के लिए मैक्सिमम 3 ईयर्स, PWD के लिए मैक्सिमम बाय 10 ईयर्स एंड फॉर एक्स सर्विसमैन अपर एज लिमिट विल बी रिलैक्स्ड बाय द लेंथ ऑफ योर मिलिट्री सर्विस, सो इस बाय 3 ईयर्स। सो ये सारी इंफॉर्मेशन आप हमारी वेबसाइट या फिर UCO बैंक की ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर भी ले सकते हैं। नाउ कम्स द इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज़ अ सिलेक्शन प्रोसेस। सो सबसे पहले इन्होंने बताया सिलेक्शन प्रोसेस सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए। सो जो भी हमारे फ्रेंड सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनका जो सिलेक्शन है विल बी बेसिस ऑन इंटरव्यू। इंटरव्यू के बेसिस पे ही सिलेक्शन किया जाएगा सिक्योरिटी ऑफिसर्स का, और जिसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं वो हैं 40% एंड 35% SC/ST और OBC कैंडिडेट्स के लिए हैं। और जो मेरिट लिस्ट है वो आपके इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पर ही बनाई जाएगी। अब अगर हम बात करें सिलेक्शन इंजीनियर्स इकोनॉमिस्ट स्टैटिस्टिशियन IT ऑफिसर्स एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट का, सो उनको एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए अपीयर होना पड़ेगा और यह एग्ज़ाम IBPS के थ्रू कंडक्ट किया जाएगा। इसमें जो एग्ज़ाम है यानी कि जो सब्जेक्ट हैं वो होंगे रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड एंड प्रोफेशनल नॉलेज। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो हैं 250 ईच, यानी कि हर सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चन हैं। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स हैं वो हैं 200, जिसमें 50 मार्क्स हैं रीजनिंग के, इंग्लिश लैंग्वेज के हैं 25, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के हैं 50, प्रोफेशनल नॉलेज के हैं 75। सो इसका टोटल बनता है 200। जो टोटल टाइम है आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम का दैट इज़ 2 आवर्स, यानी कि 2 घंटे आपका एग्ज़ाम का टाइम है। फ्रेंड्स एक्सेप्ट इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़कर बाकी सारे रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड प्रोफेशनल नॉलेज का एग्ज़ाम बायलिंगुअली अवेलेबल होगा, यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल होगा। सो ये था थोड़ा सा इनका सिलेक्शन प्रोसेस की इंफॉर्मेशन। अगर आप कुछ भी हमसे पूछना चाहते हैं, कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई है या कोई आपके मन में क्वेरी है, आप प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें एंड वी विल श्योरली रिप्लाई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एप्लीकेशन फी। सो फॉर SC/ST PWD कैटेगरी कैंडिडेट्स जो फीस है वो है 118 रुपये, और बाकी अदर कैंडिडेट्स के लिए इट इज़ 1180, यानी कि 1180 रुपये जो है बाकी कैंडिडेट्स के लिए है। सो आप प्लीज़ अकॉर्डिंगली इस फीस को भरें एंड डू रिमेंबर कि एक नॉन रिफंडेबल फ़ी है। जो मोड ऑफ पेमेंट है वो ऑनलाइन ही है, किसी और मोड से आप अपनी फीस को पे नहीं कर सकते हैं। एंड ध्यान रहे कि एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है एंड 17th November इज़ द लास्ट डेट। सो आप जितनी जल्दी अप्लाई करना चाहते हैं आप इसको कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं। एंड डू टेक केयर कि जब आप अपनी फ़ी को पे कर रहे हैं वो ऑनलाइन मोड से ही पे हो। आप अपनी फ़ी को डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पे कर सकते हैं। एंड इसका एक रिकॉर्ड जब आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे, अपनी फ़ी को पे करेंगे, सो आपको एक ई रिसीट प्रोवाइड होगी जिसका एक प्रिंट आउट आप अपने पास रख सकते हैं फॉर योर रिकॉर्ड। अब हम बात करते हैं इनके एप्लीकेशन प्रोसीजर की। UCOBank.com ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है UCO बैंक की, इस पर आप जाकर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये एक स्पेशलिस्ट ऑफिसर की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट है। सो आप जब भी UCO बैंक की साइट पर जाएं तो सबसे पहले आपको अपना एक रजिस्ट्रेशन ID पासवर्ड बनाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको अपनी सारी डिटेल प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जिसमें आपका नेम, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपका एड्रेस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID प्रोवाइड आपको करना पड़ेगा। उसी के बेसिस पे आपका एक रजिस्ट्रेशन ID पासवर्ड बन जाएगा। फ्रेंड्स इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप जो भी अपना फ़ोन नंबर और ईमेल ID प्रोवाइड करते हैं वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि इसी पर आपको फर्दर सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होगी रिलेटेड टू योर
एग्जाम। सो इस चीज़ का ध्यान रहे कि आप जो भी इंफॉर्मेशन करें प्रोवाइड वो बिल्कुल वैलिड होनी चाहिए। आप प्लीज़ सबमिट करने से पहले उसको एक बार रीचेक या वेरीफाई जरूर करें, क्योंकि ये एक ऑनलाइन मोड से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। सो आपको अपनी फोटोग्राफ भी ऑनलाइन ही अपलोड करनी पड़ेगी, जिसकी गाइडलाइंस दी हुई हैं। जब आप फॉर्म फिल करेंगे उससे पहले आप यूको बैंक की ऑफिशियल नोटिफिकेशन से वो सारी गाइडलाइंस को ध्यान में रखें। और जैसे कि यहाँ पर बताया गया कि जो फोटोग्राफ का साइज है दैट शुड बी 4.5 cm x 3.5 cm। सो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। सिग्नेचर का भी जो साइज़ है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आपको उसी साइज़ में अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है। जो आपका सिग्नेचर है इट शुड नॉट बी इन कैपिटल लेटर्स, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और जो रजिस्ट्रेशन आईडी और आपका एक पासवर्ड बनेगा वो आपको फर्दर हेल्प करेगा आपके एप्लीकेशन फॉर्म को आगे फिल करने में और पेमेंट करने में। सो जब भी आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें ध्यान रहे कि आपका नेम, आपके फादर और हस्बैंड का नेम या फिर आपकी कोई भी डिटेल रिलेटेड टू योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, एज, वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। किसी में भी कोई स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होना चाहिए। और कोई भी अगर चेंजेस हैं वो आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने से पहले ही कर सकते हैं। वांस यू सबमिट योर एप्लीकेशन आप उसके बाद उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। और अगर आपका कोई भी दी हुई आपकी डिटेल करेक्ट नहीं पाई जाती सो आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। सो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि टाइमली आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करें एंड इट शुड बी करेक्ट। डू चेक बिफोर द फाइनल सबमिट। एक बार फाइनल सबमिट हो गया उसके बाद आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बिफोर एग्जाम आपके कॉल लेटर आते हैं। सो ये जो कॉल लेटर होंगे ये आपको ऑनलाइन ही प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसकी इंफॉर्मेशन आपके रजिस्ट्रेशन आईडी या फिर रजिस्टर्ड नंबर पर प्रोवाइड की जाएगी। एंड आप अपने रिटर्न एग्जाम का जो कॉल लेटर है उसको आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालकर यूको बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। हार्ड कॉपीज विल नॉट बी सेंट बाय पोस्ट, यानी कि आपके पास कोई भी हार्ड कॉपी नहीं आएगी। आपको अपने एडमिट कार्ड को, अपने कॉल लेटर को डाउनलोड करना है एंड उसका एक प्रिंट आउट आप अपने रिकॉर्ड के लिए रख सकते हैं। सो प्लीज़ आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो भी आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो बिल्कुल करेक्ट हो और आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बिल्कुल वैलिड हो। एंड रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि उसी के बेसिस पे फर्दर आप अपना कॉल लेटर डाउनलोड करेंगे। अब हम बात करें अगर इनके एग्जाम सेंटर की। सो जो एग्जाम है एक ऑनलाइन एग्जाम होगा जो अहमदाबाद, बैंगलोर, बरेली, बड़ौदा, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, देहरादून, गोवा, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जलंधर, एर्नाकुलम, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पटना, पुणे, रायपुर, रांची एंड विशाखापट्टनम, यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा। सो ये इनके एग्जाम सेंटर्स हैं और ये ऑनलाइन एग्जाम के सेंटर्स हैं। और जो आपके इंटरव्यू होंगे उनके सेंटर्स आपको बाद में बताए जाएंगे जो भी कैंडिडेट सिलेक्टेड होंगे। तो ये सारी डिटेल्स हैं, कुछ FAQs यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आपकी हेल्प के लिए हमने अपनी वेबसाइट yosearch.net पर प्रोवाइड करे हैं। आप प्लीज यहाँ पर आकर ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कुछ और आप पूछना चाहते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। हमारी इन वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें सो दैट इट कैन हेल्प योर फ्रेंड्स ऑल्सो। और हम इसी तरीके से और भी बहुत सारी वीडियोस अपने इस चैनल पर अपलोड हमने करी हैं, हम आगे भी करते रहेंगे लेटेस्ट एंड अपडेटेड इन्फॉर्मेशन। सो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द कम्प्लीट वीडियो। वी विल ब्रिंग मेनी मोर न्यू वीडियोज़ फॉर यू ऑल। थैंक यू।